जय भोले की। और सब कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया भोले की, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। तो फिलहाल अब हम दोनों भाई, दोनों दोस्त जा रहे हैं गंगा जी नहाने। यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी हैं, हमारा इससे पीछे ट्रैक्टर है। तो अभी गंगा जी नहा के फिर अभी हमारा घूमने का प्लान है, देखते हैं या मनसा देवी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं, आपको बताते हैं। तो चलिए गंगा जी का आपको दिखाते हैं कैसे कैसे नजारे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गंगा जी का नजारा ये हरी, और यहाँ बिकता हुआ फूल प्रसाद उन्हें ही देख रहे हैं। अरे ये देखिए कहाँ दुबक्के नहा रहे हैं, देखिए ना कहाँ स्थान मिला है वो, ये दुबक्के नहा रहे हैं भाई। हमने भैया आखिर हमने ढूंढ लिया इन्हें, मालूम मुश्किल से हाथ आएंगे। मंदिर जाने के लिए तो फिलहाल हम नहा धो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? मनसा देवी, चंडी देवी जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ चंडी देवी के, आप दर्शन कीजिएगा। पैदल यात्रा है हमारी चंडी देवी की। बात कर कहा। तो फिलहाल हम दो टेम्पो से हमारी सवारी आ चुकी हैं और यहाँ माँ चंडी देवी, तो हम चल दिए हैं माँ चंडी देवी के मंदिर की ओर। पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और सुनीत भैया भी आ चुके हैं और अभी ना शिवा रह गए। आ रहे हो जल्दी आओ। और यहाँ पर कुछ देखें आप, यात्रा चालू हो गई है हमारी, यात्रा जो हुई है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अब चल चुके हैं यात्रा के लिए, प्रारंभ हो चुका है। गाइस तो टाइम क्या हो चुका है? टाइम बताया जाए, देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं। तो आप टाइम बताओ कोई देख के फोन में अपने। और ये भाई प्रसाद यहाँ पर चालू हो गया बिकना, भाई दर्शन कर। हाँ जी, कुछ बंदे हमारा प्रैंक बनाना चाह रहे, हमने उनका उल्टा बना दिया, जैसे को तैसा कर दिया सुबुल भाई ने। और ये देखिए जंगलों में से हम गुजरते हुए, यहाँ कुछ भिक्षक बैठते हुए, भिक्षा लेते हुए। सामने हमें उस पहाड़ी पे जाना है। और ये देखिए पैदल मार्ग, रूट बताइए कैसे कैसे जाना है। तो फिलहाल अभिनव भाई, अभिनव को टॉयलेट आ गया। और यहाँ पर देखिए, और ये देखिए शॉट मार दिया है यहाँ प्रधान जी ने, ये प्रधान जी। तो देखिए गाइस अभी यहाँ हाथी की लीद मिली है हमें, यहाँ से हाथी गुजरा है, बिल्कुल ताजी ताजी लीद है। देखो हाथी यहीं गया है अभी, हाथी के हमें यहाँ। अरे चढ़ाई देखिए, बिल्कुल हत्ता मत्ते की चढ़ाई है। अभी गणेश बोले टपक जाते, हत्ते मत्ते की चढ़ाई है भाई, बहुत ज्यादा कठिन चढ़ाई है। सांस देखिए अभी से फूलने लगी है भाई। तो गाइस यहाँ बड़ी दिक्कतों के साथ चलना पड़ रहा है हमें। क्या हाथी भी शॉट मार रहा है? क्या हाथी ने भी यहाँ शॉट मारा है? आप बता सकते हैं? देखिए भाई देखो कितनी चढ़ाई है, हम वहाँ से आए हैं यहाँ चढ़ते हुए, और सांस बिल्कुल, एनर्जी की कमियाँ होती हुई शरीर के अंदर, एनर्जी बिल्कुल, और हमें वहाँ पहुँचना है। हमने उस टीम को पछाड़ दिया है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है भाई, बैटरी 20% रह गई है। ये छोटा भाई प्रसाद बिक रहा है, और यहाँ पर नींबू पानी और शीतल जल बिक रहा है भाई। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हरिद्वार शहर है, ये हरिद्वार का व्यू देखिए आप। एनर्जी की मात्रा कम हो रही है, एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, इसका थोड़ी दिक्कत है। जय हो बजरंगबली महाराज, जय हो, जय श्री राम। अमन भाई लंगूरों से पंगा लेते हुए गुस्सा जगा है यहाँ पर, नाराज है ये। हेलो हाउ आर यू? बहुत कुछ खतरनाक रास्ते हैं, देखो रास्ते कटे हुए हैं, बड़ी बरसात में रास्ते गिर चुके थे। और देखे यहाँ से गिरा हुआ है, किसी का पैर वैर गिर सकता है, नीचे बहुत खाई है जिससे आदमी की पता नहीं चलेगा। और टीवीएस वालों की स्कूटी यहाँ पर आ चुकी है, जानदार है। तो आप देख सकते हैं चढ़ाई जो है एकदम कट, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, जिससे कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसका जो लेवल है वो डाउन पर डाउन होता जा रहा है। अभी देखते हैं सामने और आ चुका है मंदिर आने वाला है, सर्विस मांगने लगा। दूरी चलने के बाद आपको पानी की भी व्यवस्था हो सकती है और शिकंजी की व्यवस्था भी हो सकती है। और ये देखिए लौड़ों में ताकत बहुत है भाई, बुलेट का इंजन है इनका। तो हमारे पोलट भाई का पसीना आ चुका है भाई, रास्ता और मिल चुका है, हमने एक और शॉर्ट रास्ता ले लिया है। ऑक्सीजन की यहाँ कमियाँ हो रही है, सांसें जो फूल रही है, रपटने से बच के आइए आराम आराम से। चलो चलो
ये भाई लोग दर्शन कर गया है। आराम से पकड़ पकड़ के चलो आप, आ जाओ पैर को तिरछा रख के जमा के चलो। ऑक्सीजन की कमी है भाई, बैटरी जो है ना वो डाउन हो गई है। मैंने अभी शॉट मार दिया भाई, ये भी कह रहे हैं मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी देखता हूँ शॉट मार के। चार दिन जिम क्या चलेगा भाई, टक्कर दे रहा है तो यहाँ कुछ बोले आराम ले रहे हैं, एनर्जी डाउन होने के कारण। ये देखिए सांस ऐसे फूल लिया भाई, जैसा कि हमने 40-50 किलोमीटर की दौड़ लगा दी हो। हमारे अंकुर मामा और हरीश भैया जो है ना अभी देखो आ रहे, इनकी जोड़ी भाई मशहूर जोड़ी है, जोड़ी नंबर वन है भाई इनकी। दोनों भाई कदम से कदम मिला के चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलता रहे तो नॉन उसका इंजन जो बनेगा भाई, क्या क्या खराबी होगी इसके इंजन में। मोबाइल बाहर को बैग रहा है तो। और गणेश बोला आपका जो बोला, गणेश बोले का इंजन जो है ना फट चुका, देखो देखो कैसी आवाज आ रही है, खर खर की आवाज आ रही है। कितने रुपए में भाई? 20 रुपए का। और 20 रुपए में भाई प्रसाद मिल रहा है भाई साहब, 20 रुपए में प्रसाद दे रहे भाई, बहुत लंबा आपके। इसी के साथ एक फिर और खतरनाक रास्तों से हम फिर द्वारा से गुजरते हुए शिवा, हाथी का नाम बदनाम है यहाँ पर, कोई ऐसा तो ना हो चमस्ती डाल के जाता हो। आप ये देखिए हरिद्वार के नजारे, थक चुके हैं पूरी तरह से, मतलब अंजन ने एकदम आवाज करने लगा पूरी तरह से, पूछ लिया छूट रहा ना बार बार तो छोड़ लिया। अभी थोड़ा सही लग रहा है बैठ कर आराम, गणेश सब बोलते लग रहा है, पैर टूटी पड़ी है उसकी। कैसा रहा आपका सफर, आपकी चढ़ाई, कोई ज्यादा दिक्कत सांस वांस लेने में? दोनों भाई की सांस अभी हैवी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सांसों को, तो बता रहा आपकी आवाज बता रही। और हमारे हरीश भोले जो है, मगर गर्म बलियान निकल आया है बाहर को, इतना आनंद आ रहा है, गर्मी भी है, गर्मी चढ़ाई तो है, पसीने ससीने आ गए, सांसें फूल गई हैं, इतनी चीज हो गया गणेश भोले का तो। तुम्हें कुछ कहना भाई? नहीं सोचते दे भाई, गणेश अंजन का डाउन होने के कारण पंखे की बेल टूट गई है। अच्छी यार, चढ़ाई ज्यादा हुई। अच्छी यार, अब क्या गणेश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के कारण से आपका गणेश का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर, जो हर साल रिकॉर्ड रह चुका है वो आपका डाउन है। हर बार जब 5 स्टार मिलते थे, अब कैसे 1 स्टार ही मिल रहा है, अब कैसे इसकी TRP डाउन हो गई है। चलो ठीक है भाई, ओके। फाइनली हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर बचा है, और ये सब टीम बोलो की जय। मात्र आधे घंटे में कंप्लीट कर दी है, 10:36 पे हमने टोटल यात्रा पे आ गए हैं। देख रहे हैं ये मंदिर का मेन गेट है, और यहाँ पर फूल प्रसादों की दुकान है, और ये देखिए यहाँ पर हमने माता रानी का प्रसाद ले लिया है, और थोड़ी सी आगे चलने के बाद मंदिर शुरू हो जाएगा। अमन भाई आओ, अमन, ये इसका मेन प्रवेश द्वार है, श्री गणेश जो इसकी रक्षा कर रहे हैं, दो शेर बने हुए हैं माता रानी के, माँ चंडी देवी के निवास स्थान। जय बोल माता रानी की। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, और आगे अब ये देखिए, हाँ लाइन ही लाइन हो फिर हम चलते हुए बोल चंडी देवी वाली मैया की। फाइनली हमने जो मंदिर का प्रसाद चढ़ा लिया है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं, और ये देखिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया उड़न खटोला, उड़न खटोले का ये मेन अड्डा है। ये हनुमान जी की माता अंजनी देवी, वे हनुमान जी और माता के लिए
और मंदिर आने वाला है, थोड़ी दूर और बचा है, यहाँ से मंदिर शुरू हो जाएगा, यहाँ से प्रसादों की दुकान भी चालू हो जाएंगी। ये शहर और इधर जो इस आपको बराबर में दिखाई दे रहा है, ये उड़न खटोला का इस अड्डा है। यहाँ से आप ये देखिए लंगूर, और यहाँ पर काली माता, जय माता, माता रानी का प्रसाद भी ले रहे भाई जी, आ गया भाई, आ गया जो आगे भैया आगे प्रसाद ले लेना चढ़ाने के लिए। हाँ प्रसाद लेना पड़ा लड्डू वाला, पीने की भी व्यवस्था है। आप जल भी, अगर आपको प्यास लग रही है तो यहाँ पर टंकी लगी हुई है, जल भी पी सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रसाद बिकता होगा, और यहाँ पर सिंदूर भाई, प्रसाद सिंदूर बिकते हुए। आप जैसे मंदिर के बाहर आओगे यहाँ पर आप देखोगे कि प्रसादों की दुकानें बहुत मिलेंगी आपको, और कुछ खाने के भी यहाँ पर हैं, जैसे पकौड़ी हैं, ब्रेड हैं, कुछ खाने का, जैसे आपको भूख लगे तो उसका। संकट मोचन, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर छोटा पड़ता हुआ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर घी के चुराग जलाए जाते हैं। और ये मंदिर का परिक्रमा है, जो भी लोगों की अपनी मनोकामना होती है वो यहाँ पर चुन्नी बांधकर मनोकामनाएं अपनी पूरे मांगते हैं। आप ये चारों तरफ का नज़ारे देखिए, आप ऊपर से पहाड़ी के, हरिद्वार शहर के। ये माता रानी का आप देख सकते हैं, ये माता रानी की परिक्रमा है। बहुत भीड़ भाड़ है मंदिर के अंदर, काफी है, काफी है। तो आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और लगातार रोज बढ़ने पे ही रहेगी, जैसे जैसे कांवर के आएंगे कांवर लेने, तो ऐसे वैसे यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। बाद हम जाते हैं संकट मोचन, हनुमान मंदिर दर्शन। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। थोड़े से फिर आगे चलते हैं, महाव्रत काली, अब हम नागेश्वर महादेव के दर्शन। नागेश्वर महादेव, नागेश्वर, जय हो भोले भोले शंभु, जय हो। ऐसा नहीं बनता यार, लाइन लग के बिकती है भैया। चंडी देवी के बारे में पूछना भैया, तो आप भाई का नाम बताओ। ये मेरा नाम है ऋषभ सिंह। अच्छा, तो आपकी दुकान कितने वर्षों से है यहाँ? 25 वर्ष है। अच्छा, तो आप कुछ माता के बारे में जानकारी दें। जी, ये चंडी माता जो है सिद्धपीठ मंदिर है, और ये माता पार्वती का वध करने के लिए माता पार्वती ने जो है चंडी का रूप। अच्छा जी, माता के दो स्वरूप हैं, एक शांत रूप है और एक चंडी का रूप, दोनों मूर्ति अंदर जो विराजमान है। हाँ। और स्वयंभू है, खम्भ से प्रकट ये चंडी माता का। अच्छा, तो आपकी दुकान पे क्या क्या मिलता है? सर, हमारे यहाँ रुद्राक्ष है, रत्न है, नवरत्न मालाएं हैं, स्फटिक मालाएं हैं, शंख है, अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें जेन्युइन मिलती है। गारंटी है वो? बिल्कुल गारंटी के साथ पूरा बिल दिया जाता है, और सब सर्टिफिकेट लैब से टेस्टेड सर्टिफिकेट भी। अगर नकली कार्ड तो एक लाख की गारंटी।
ये देखिए भाई की दुकान पे आप देख सकते हैं, और ये भाई की दुकान ऑल टू बन देख सकते, ये भाई की दुकान है। आप आके यहाँ भाई की दुकान में संपर्क कर सकते हैं, सब चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, सब चीज़ बढ़िया मिलेगी, जेन्युइन चीज़ है, कभी भी आ सकते हैं आप भाई की दुकान पे। और यहाँ जस्ट बराबर में शिकंजी की दुकान है भाई, नंबर वन की शिकंजी मिलती है, आप आके शिकंजी, हम भी यहाँ शिकंजी पी रहे हैं भाई। तो मेरा सभी दोस्तों से कहना है आके भाई के पास, जो भी चीज़ लेनी है आपको, संग लेना है संग भी ले सकते हैं, बाकी सब जो चीज़ लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है भाई, धन्यवाद। यही है दोस्तों, आप भी पी लो, बहुत गर्मी हो रही है। अब हम चलते हैं अंजनी माता के मंदिर की ओर चल रहे हैं। अब यहाँ पर लंगूर और बंदर बहुत हैं, यहाँ अपना फ़ोन कृपया करके संभाल कर रखें, अन्यथा आपका फ़ोन बंदर ले जा सकता है। तो अब हमने मंदिर का प्रसाद चढ़ा के अब हम वापसी की ओर जाते हुए, इधर से तो ये मान के चलो गाड़ी के अंदर टॉप गियर डल गया है, ब्रेक ले, ब्रेक मारने, ब्रेक नहीं आ रहे हमारे यहाँ भैया, ऐसा बोलोगे हमें टॉप गियर डल चुका है, कोई नहीं सुनना है, अब सब भागा भाग में है, चने आइसक्रीम। और ये देखिए भाई, भाई टॉप गियर में जा रही है, 120 की स्पीड आ रही है मेरी तो, एयरफोन का ये हमारा भोला बहुत दीवाना है एयरफोन का, ये भोला हर की पेड़ी से जल उठा के दवार जी तक एयरफोन नहीं निकलेगी। अरे एक भोला है वो ट्राली के नीचे ही पड़ा रहेगा, वो जब ना आएगा जब हम चंडी का फ्लाईओवर पार कर देंगे, वो भोला है, क्या नाम है, बच्चा भोला, अक्षित भोला, नेटवर्क खूब आ रहे हैं। इनकी ना घर बना रहा है, प्लॉट ले लिया, बोल रहे हैं 200 गज का, तो यहाँ मकान बनना है, देखिए आप इन झाड़ियों में ये मकान बनाएगा जो बारिश के, भैया यहाँ तो रुकने का नहीं है, देख बाढ़ आ जाएगी यहाँ तो भाई, इनका काम शुरू हो गया है। ये देखिए भैया ले, एक मंजिल दो मंजिल मकान हो चुका है अब तक, तीन मंजिल है, ममटी हो गई, तीन मंजिल इनका मकान हो गया है, बोले बाबा से दुआ करिए, इन्होंने तीन मंजिला इनका मकान बनना चाहिए, माता चंडी देवी मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऊपर वाले फ्लैट में आप ही रहेंगे। अच्छा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं, हमारे बारे में तो कोई सोचता नहीं है, आप अपना स्टूडियो उसमें ही बनाना फिर, हम चाहते माता रानी जो इन ब्लॉगर के माध्यम जो हमारी बात सुने, हो सकता आप माता रानी ने भी जो है ट्रेवल विद ARAK को जो है सब्सक्राइब कर रखा हो, तो माता रानी जो है नोट में, ठीक है ठीक है। अरे भाई झंडा लेके जा रहा है।